विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल. आपको पता है गर्लफ्रेंड यानी जी एफ से हमने याद कराया हुआ है आपको, ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जिसमें बड़ी मांसपेशियों का स्थूल गतिक कौशल कहते हैं, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है. और दूसरी होती है फाइन यानी सूक्ष्म गतिक कौशल जिसमें छोटी मांसपेशियां जैसे आपकी हाथों की उंगलियों की मसल्स और आपकी आंखों के साथ कोऑर्डिनेशन, ये सब यूज़ होता है जैसे लिखने में, राइटिंग में, इन सब में राइटिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है ना, इन सब में क्या है फाइन मोटर स्किल्स. दौड़ने, भागने, उछलने, कूदने, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग है ना, इन सब में क्या होगा आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स, क्योंकि बड़ी मांसपेशियां ज़्यादा यूज़ में आती हैं. ऐसा नहीं है स्विमिंग की अगर हम बात करेंगे तो आपके हैंड्स भी यूज़ हो ही रहे हैं, या फिर अगर हम बात करेंगे किसी और भी चीज़ की, जैसे ड्राइविंग को लेके कई लोगों को लगता है कि ड्राइविंग फाइन है कि ग्रॉस है, तो ड्राइविंग में आपकी आंखें भी देख रही हैं लेकिन मुख्य काम जो है आपकी लेग्स और आपके हैंड्स का है या आर्म्स का है अगर मैं कहूँ तो इसलिए वो ग्रॉस मोटर में चली जाती है फिर. तो रनिंग ऑन बोर्ड, रनिंग में बड़ी मांसपेशियाँ यूज़ होंगी तो ग्रॉस मोटर स्किल्स. स्विमिंग में अगेन आपकी बिना आपकी थाई मसल्स के यानी आपकी लेग्स के और आपकी हैंड्स आर्म्स के है ना, तो बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग यहाँ ज़्यादा है तो ये भी ग्रॉस में चला गया. पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, ये कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका पेपर में. धागे में मोती परोना, वो होता है ना जब आपने देखा होगा अपने आसपास जो आपके घर के बड़े होते हैं तो अगर कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई करता है स्पेशली सिलाई करने में तो आपकी दादी आपकी नानी आपको कह सकती हैं, इवन मम्मियाँ भी आपकी कहेंगी कि यार इस सुई में ना धागा पिरोना है. मान लो आजकल तो पता नहीं नई नई तरह की मशीन्स आ गए हैं कितने लोग ये करते होंगे, बट जब हम छोटे थे तब होता था ये कि तुम्हारी बच्चों की नई आँखें हैं तो एक काम करो, मतलब ज़्यादा अच्छी तुम्हारी आईसाइट है यानी तुम्हारा फाइन मोटर स्किल्स बेटर है अभी, तो क्या कर सकते हैं एक एज के बाद, 3 साल के बच्चों को नहीं कहेंगे ऑफकोर्स ये बात, तो आप वो सुई में धागा पिरोना भी क्या है एक तरह से फाइन मोटर स्किल है. उसी तरह से आप एक धागे में मोती पिरो रहे हैं तो वो भी फाइन मोटर स्किल्स है. सिलाई कढ़ाई बुनाई, आंखों में आईलाइनर काजल ये सब भी लगाना क्या है फाइन मोटर स्किल्स है ना. किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल किक करने में आपकी लेग्स की मसल्स यूज हो रही हैं तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं. तो बाकी के तीनों ग्रॉस मोटर हैं, एक ही है फाइन मोटर स्किल का उदाहरण जो है थर्ड ऑप्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर. ये क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, बहुत बार आते हैं और लगभग हर जगह पे आते हैं तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते. सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, जो विकास का शीर्षगामी, शीर्ष मतलब सर की बात हो रही है, सिंपल समझ जाइए आप. शीर्षगामी यानी सेफेल, सेफेल का मतलब ही आपको बताया है ब्रेन या खोपड़ी आपकी, ठीक है ना. तो सेफेलोकॉडल यानी सर से पैर, ठीक है, सर से पैर, बिल्कुल सही जवाब आप लोग अपने आप दे रहे हैं, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करें. हेड टू टो यानी सर से पैर की ओर कंट्रोल जा रहा है. बच्चा पहले अपना सर संभालना सीखता है फिर, क्योंकि छोटे बच्चे, फिर गर्दन संभालना सीखता है. छोटे बच्चे की गर्दन पे भी आप हाथ लगा के उसको उठाते हैं जब गोदी में भी लेते हैं, क्यों, क्योंकि अभी सर से पैर की तरफ कंट्रोल जा रहा है ना. फिर वो ये वाला पार्ट, फिर वो खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, बैठना सीखेगा उससे भी पहले. तो सर से पाँव की ओर जो है दिशा रहती है, ये विकास की दिशा है ना. किसकी दिशा है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें दो दिशाएं आती हैं. ये प्रिंसिपल है दिशा का, एक है सेफेलोकॉडल और दूसरा है आपका प्रॉक्सिमोडिस्कल, जिसको समीपस्थ दूरस्थ विकास कहते हैं, जिसको हम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज कहेंगे. उल्टा कर दिया उन्होंने, एक्सट्रीमिटीज टू सेंटर कुछ नहीं होता है ना, स्पेसिफिक टू जनरल कुछ नहीं होता, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है. तो बाकी के तीन तो वैसे ही इतने फालतू के उदाहरण हैं कि जो पॉसिबल भी नहीं है, है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और समझते हैं. सोशलाइजेशन से एक क्वेश्चन आना ही निश्चित है, फिक्स है बिल्कुल. डैश इज अ प्राइमरी यानी प्राथमिक सामाजिकरण का कारक है और कौन सा सेकेंडरी यानी गौड़ सामाजिकरण का कारक है. सामाजिकरण क्या होता है, समाज में रहने के तौर तरीके, सोशल स्किल्स सीखना सामाजिकरण है, ठीक, कि आप अडॉप्ट करते हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से कि समाज में कैसे रहेंगे, ठीक. फटाफट से बताइए और जवाब दीजिए कि प्राइमरी सोशलाइजेशन का उदाहरण, पहला ऑप्शन है इमीडिएट नेबरहुड, जो आसपास का एकदम नज़दीकी पास पड़ोस है, एकदम जो सब आप बिल्कुल पास में रह रहे हैं जहाँ, ठीक. मास मीडिया, मास मीडिया क्या है, आपका टेलीविज़न हो सकता है, आपका न्यूज़पेपर हो सकता है, आज की डेट में आपका कोई और यूट्यूब चैनल पे अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं, या फिर इवन फ़ोन भी आपका कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, इवन अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो ये सब कुछ आपका मास मीडिया में आ जाएगा. प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में स्पेशली न्यूज़पेपर हो गया, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई. अब देखो प्रिंट मीडिया, मीडिया भी सेकेंडरी है और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, व्हाटएवर, तो वो भी सेकेंडरी हो गए. दोनों सेकेंडरी हो गए, दोनों सेकेंडरी नहीं, हमें एक प्राइमरी चाहिए पहले और फिर सेकेंडरी चाहिए, ठीक. स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकता, तो पहले हमको प्राइमरी ढूंढना था, ये उल्टा कर दिया. फैमिली सेकेंडरी होती है, फैमिली सेकेंडरी कैसे हो जाएगी भाई. तो पहला ऑप्शन आपको फैमिली होता, अगर ये ऐसे होता कि फैमिली पहले होती स्कूल बाद में होता तो यही सही हो जाता, लेकिन यहां नहीं हो सकता. फिर है लॉ और न्यूज़पेपर, दोनों सेकेंडरी हैं, द्वितीयक कारक हैं. प्रमुख
कहना गलत होगा यहाँ पे, प्राथमिक कहें अगर हम, यानी पहला सबसे प्राइमरी एजेंट जो है सोशलाइजेशन का, जहाँ सबसे पहले आप समाज की दुनिया के बारे में बेसिकली जानना शुरू करते हैं कि कोई घर आए तो नमस्ते करते हैं, या आसपास का माहौल आपका, यानी परिवार होता है, लेकिन परिवार अगर ऑप्शन में ना हो, और मैंने आपको बताया हुआ है नेबरहुड की अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, नेबरहुड प्राइमरी में भी चला जाता है और नेबरहुड आपका सेकेंडरी में भी चला जाता है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। अगर फैमिली के साथ नेबरहुड आ जाए तो वो कई बार प्राइमरी में चला जाता है, तो इमीडिएट नेबरहुड। अगर हम गांव की बात करें तो वहां तो पूरे गांव को, आपको आसपास के सारे घरों की सारी स्टोरीज पता होती हैं, है ना, और सबको सबको बारे सबको सबके बारे में पता होता है, सब आप अगर आपके पड़ोसी हैं तो आप उनको भी दादाजी बोल रहे हैं, अपने दादाजी को भी दादाजी बोल रहे हैं, तो एक तरह की फैमिली ही हो जाती है। तो उस केस में जो इमीडिएट नेबरहुड है वो क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, ठीक। और क्योंकि फैमिली का ऑप्शन ही नहीं है डायरेक्ट, और मास मीडिया तो आपका जाएगा ही सेकेंडरी में, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही बनता है। इतनी बात क्लियर है, चलें आगे। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के बारे में क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या कहते हैं भाई, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, एट विच स्टेज चिल्ड्रंस थिंकिंग बिकम्स साइंटिफिक, बच्चे का चिंतन वैज्ञानिक चिंतन बन जाता है, वो कौन सा स्तर है। आपको पता है पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी लिखी हुई है, SPCF, ठीक है, ये एक छोटा सा शॉर्टकट है जो आपको याद कराया हुआ है। ये क्या है, जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, एंड 11 एंड अबव हो जाएगा औपचारिक या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, हमेशा आता है क्वेश्चन। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए साइंटिफिक थिंकिंग लॉजिक पहली बार आया है कॉन्क्रीट में, लेकिन ये लॉजिक पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि ये अमूर्त तरीके से नहीं सोच सकता बच्चा यहाँ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ना तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आई अमूर्त चीजों के बारे में सोचना, ना ही उसके अंदर अभी डिडक्टिव लॉजिक आया है, यानी वो सिर्फ इंडक्टिव लॉजिक उसके अंदर आया है, इंडक्टिव रीजनिंग के, वो उदाहरण से नियम की ओर जा पाएगा, लेकिन नियम से उदाहरण की ओर वो डिडक्टिव लॉजिक या रीजनिंग फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगी। तो साइंटिफिक थिंकिंग के लिए डिडक्टिव रीजनिंग भी आनी चाहिए, आपको कोई थियरम है क्या हुआ था, कौन सी थियरी कैसे प्रूव हुई थी, है ना। और क्या है आपका, अगर मैं बात करूं दूसरी चीज की, तो वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच पाना, है ना। तो वो क्या होता है, फिजिक्स में लोग अज्यूम करेंगे चीजें बहुत सारी, है ना, एक बेसिकली थिंकिंग आपकी एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, जरूरी नहीं है कॉन्क्रीट ही रहेगी। कॉन्क्रीट में क्या होता है, जो चीजें सामने हैं, जैसे ये पेन सामने है, इसके बारे में समझ जाएंगे बच्चे अगर आप दिखा दोगे फटाफट से, लेकिन कोई एक थियोरी है, कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो साइंटिफिकली, जिसमें थिंकिंग जो है आपकी, जो सामने चीजें नहीं है उसके बियॉन्ड आपको इमेजिन करके भी सोचना पड़ सकता है, ठीक। तो वो औपचारिक संक्रियात्मक है। इस बार एक क्वेश्चन आया था फॉर्मल ऑपरेशनल को लेके, और ये आपकी टीनेज के आते आते और टीनेज से अडल्टहुड के बीच में जो है डेवलप होती है साइंटिफिक थिंकिंग जो है। अगर मैं बात करूं, इस बार क्वेश्चन आया था कि थिंकिंग अबाउट सिंबल्स के बारे में सिंबल सोच पाना, कुछ तो इस तरह का एक क्वेश्चन था जिसमें साइंटिफिक थिंकिंग लग रही थी कि सिंबल्स को सिंबल्स की जगह पे यूज कर पाना, यूजिंग सिंबल्स फॉर सिंबल्स। तो सिंबॉलिक थिंकिंग तो आ गया था यहाँ प्री ऑपरेशनल में, लेकिन सिंबल्स पे भी और आप सोच पा रहे हैं आगे, इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, जो सामने है उसके परे जाके सोच पा रहे हैं। तो थिंकिंग या फिर सिंबल्स थिंकिंग कुछ तो था इस तरह का, मतलब हाँ, यूजिंग सिंबल्स इन द प्लेस ऑफ सिंबल्स और समथिंग, इस तरह का था कि सिंबल्स की जगह पे सिंबल्स यूज करना, मैं एग्जैक्ट वो टेक्निकल लैंग्वेज नहीं याद कर पा रही हूँ। तो वो भी फॉर्मल ऑपरेशनल ही था, अमूर्त चिंतन आ जाए तब भी बात यही है। आपका एक और चीज आती है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाए तब भी आपका लास्ट स्टेज ही होगी। जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है, फटाफट से बताना है। 4 एलिमेंट हैं या आपके तत्व हैं, MESE, इन्हीं 4 में से कुछ होगा इंपॉर्टेंस। प्राइवेट स्पीच वाइगोस्की ने बात की है, हमसे पूछा कौन है पियाजे, तो ये तो गलत हो गया। रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात ना पियाजे करेंगे ना वाइगोस्की करेंगे, क्योंकि जिस स्कूल ऑफ थॉट को ये बिलोंग करते हैं, यानी रचनावाद, वो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात नहीं करता। टीचर्स पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से ज्यादा यहाँ पे अगर हम बात करें, टीचर की पर्सनैलिटी मैटर नहीं करेगी, टीचर का रोल इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स, तो ये सब सेकेंडरी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, बायोलॉजिकल मैचुरेशन, क्योंकि ये MESE में आपको याद होगा मैंने बताया था पहला, मैचुरेशन या जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, परिपक्वता, जो हाईली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से, यानी पियाजे आपकी बायोलॉजी को, आपके जेनेटिक्स को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, आपकी हेरिडिटी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। वहीं अगर मैं वाइगोस्की की बात करूं तो वो हेरिडिटी, जेनेटिक्स, बायोलॉजी को उतना महत्व नहीं देते हैं, ये उनका क्रिटिसिज्म है, ठीक। तो सिंपल बात है कि भाई आप में हेरिडिटरी क्षमता है, 11 साल से इस उम्र के चेंज होते होते आप में क्षमताएं आती जा रही हैं, कैसे, क्योंकि आपके अंदर जेनेटिक्स में वो क्षमताएं हैं
डॉग की एज चेंज होगी 11 साल में, जरूरी नहीं उसको जो साइंटिफिक थिंकिंग आ जाएगी कुत्ते के अंदर, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। तो वो प्याजे ऐसा नहीं एक्टिविटी पे महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन जेनेटिक्स को भी उन्होंने अच्छा खासा महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना एक बार। आर्यन डायरेक्ट्स मोस्ट ऑफ हिज एक्शंस टू फुलफिल हिज ड्यूटीज एज पर स्कूल्स प्रीएम्बल। आर्यन एक टीचर हैं जो अपनी ड्यूटीज जो हैं वो डायरेक्ट करते हैं स्कूल के प्रीएम्बल में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्कूल का, जो नियम कायदे कानून है स्कूल के, उनको फॉलो करते हुए वो अपनी ड्यूटीज को निभाते हैं कि टाइम पे टीचर को आना चाहिए या फिर क्लास इस टाइम से इस टाइम होगी, ये सिलेबस इस सबसे तब तक खत्म होना है। वो अपने सिलेबस स्कूल के जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्कूल का या जो रूल रेगुलेशन है स्कूल के, संविधान के हिसाब से चलते हैं स्कूल के, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ना प्रियम्बल दिया हुआ है, तो वो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहे हैं जो तय किया है स्कूल ने। एट विच लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग, कौन से तर्क के स्तर पे होंगे आर्यन अगर हम कोहलबक की थियोरी की बात करें कि वो जो स्कूल ने नियम कायदे कानून तय किए हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं। स्कूल के नियम कायदे कानून कहीं गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी एक बच्चे के लिए हमें कई बार नियम के विरुद्ध या फिर एज पर नीड हमें चेंज करना पड़े, बट ये कहेंगे जो नियम है मैं उसी के अनुसार चलूंगा। इसका मतलब कन्वेंशनल मॉरेलिटी है, यानी क्या है, परंपरागत स्तर है जो लेवल टू में आता है कोहलबक की थियोरी में, लॉ एंड ऑर्डर, यानी रूल्स आर रूल्स, रूल्स फिक्स्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, आपको नियमों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार, सोसाइटी के अनुसार, कुल मिलाकर के, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि स्कूल, उसके अनुसार, उसके नियमों के अनुसार आप चल रहे हैं। रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे चाहे किसी की जान जानी हो, बचनी हो, है ना। जबकि पोस्ट कन्वेंशनल में आप थॉट दे देते हैं कि ठीक है कुछ नियम है, लेकिन वो नियम लोगों के लिए बनाए गए हैं, अगर उनका भला नहीं हो रहा तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, तो सेकेंड लेवल यहाँ पे हो जाएगा, सेकेंड लेवल और फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज आपकी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ स्कैफोल्डिंग, इफेक्टिव वे यानी बेहतर तरीका स्कैफोल्डिंग मचान का बच्चों के लिए व्हेन दे आर स्टक ऑन अ प्रॉब्लम। बच्चे किसी एक प्रॉब्लम पे फंस गए हैं, अटक गए हैं किसी एक स्टेप पे, मान लीजिए उनको स्कैफोल्ड यानी हेल्प करने का, टेम्परेरी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, कौन सा तरीका होगा? डायरेक्टली आंसर बता दो। तो डायरेक्टली आंसर बताना स्कैफोल्डिंग में नहीं आता, आप हिंट देंगे, प्रॉब्लम को हाफ सॉल्व करेंगे, क्यूज देंगे, है ना, डायरेक्ट आंसर नहीं बताते, बच्चे को आंसर तक पहुंचने में मदद करते हैं। क्योंकि आपने बता ही दिया तो फिर उसको हेल्प, वो टेम्परेरी हेल्प नहीं हुई ना, आपने तो फिर उसका काम ही खत्म कर दिया। बच्चे को भी तो मौका देना सोचने का, पनिश करना ऑप्शन में ही नहीं है। कॉम्प्लिकेटिंग द प्रॉब्लम विद इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, फालतू की इन्फॉर्मेशन दे दो, बच्चा ए पूछ रहा हो आप डी की बात करो, है ना, तो वो बेकार की बात हो जाएगी। प्रोवाइडिंग हाफ सॉल्व सॉल्यूशंस, आपने देखा होगा टीचर्स कई बार, मान लो बच्चा दो स्टेप पे अटक गया तो वो तीसरा स्टेप सॉल्व कर देते हैं, फिर वो आगे का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेगा। तो यही स्कैफोल्डिंग है कि मदद दे दी, लेकिन अस्थायी मदद, जिसकी बात वाइगोस्की कर रहे हैं अपनी थियोरी में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, और फिर से अगेन वाइगोस्की से ही क्वेश्चन देख रहे हैं आप, तीन क्वेश्चन एक सेट में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, टू एनहेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट लैब वाइगोस्की एडवोकेटेड फॉर। वाइगोस्की किस चीज की विवेचना करेंगे या किस चीज के साथ जाएंगे अगर संज्ञानात्मक विकास, बच्चे के दिमाग के विकास को बेहतर करना है तो, है ना, उसके सोचने समझने की शक्ति को। देखो एक्सपोजिटरी टीचिंग जो होती है, बच्चे के दिमाग में भर दिया आपने कुछ डायरेक्टली, ये ना प्याजे कहेंगे ना वाइगोस्की कहेंगे, ये चाइल्ड सेंटर्ड है ही नहीं, बच्चे को सेंटर में नहीं रखा जा रहा, तो ये तो गलत है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात कोई भी नहीं करेगा जो भी बच्चे के पक्ष में है, क्योंकि उसमें आदत डलवाने वाली बात होती है, बच्चे को पैसिव रखा नहीं जा सकता कि वो बस दो एकम दो दो दूनी चार आपने रट्टे लगवा दिए उसको, है ना, नहीं। असिस्टेड लर्निंग, बच्चा एक ही जगह पे एक्टिव है, जहां एक्टिव है बच्चा वो बेहतर ऑप्शन है। समर्थित अधिगम यानी कोई, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो टीचर असिस्ट करे जहां जरूरत है, बच्चे के दोस्त भी उसको मदद कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं, है ना। वर्ड होता है ना असिस्टेंट, वर्ड हम यूज करते हैं पर्सनल असिस्टेंट, कोई किसी का पीए है तो वो क्या कर रहा है, हेल्प ही तो कर रहा है व्यक्ति को उस काम में, ठीक है ना। तो ये टीचर हेल्प कर सकते हैं, असिस्टेंस मिल सकती है टीचर से, पीयर्स बच्चे के साथी समूह, कोई दोस्त हेल्प कर सकता है किसी क्वेश्चन पट के, तो बेसिकली उसको असिस्टेंस मिलेगी। असिस्टेड लर्निंग की बात प्याजे सॉरी वाइगोस्की करते हैं, प्याजे नहीं है सच, ठीक है। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे क्वेश्चन है। जॉन डुई को याद कीजिए, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैप्टर है आपका, प्रगतिशील शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, बच्चा सेंटर में है, प्रेजेंट लाइफ के लिए बच्चा सीखता है यहाँ पे, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये कहा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जॉन डुई ने, कि जो शिक्षा है वो जीवन है, या वर्तमान जीवन के लिए सिखाइए, है ना, और प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखेगा बच्चा यहाँ पे वर्तमान जीवन के लिए।
ठीक, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व कर पाएगा, ग्रुप में सीखेगा, बच्चा एक्टिव हुआ कुल मिलाकर के, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट या स्टूडेंट्स एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, बात सही है, टीचर्स एज दी फोरमोस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, नहीं बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव हैं तभी चाइल्ड सेंटर्ड है, स्टूडेंट्स पैसिव हैं, बच्चों को पैसिव आप नहीं रख सकते, बच्चों को एक्टिव रखना है, पैसिव का मतलब है बस वो बैठा हुआ है, चाहे नींद आ जाए पीछे सो जाए, वो बच्चों को आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक्स इररेलीवेंट इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, जो किताबें हैं वो नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में रेलिवेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, टेक्स्ट बुक भी इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी भूमिका है। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि जहाँ बच्चा एक्टिव है, सिंपल जवाब। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, फटाक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आशिमा इज पॉपुलर अमॉन्ग हर फ्रेंड्स फॉर हर हाई एबिलिटी टू रीड द मूड्स एंड मोटिवेशंस ऑफ अदर्स। आशिमा टीचर हो सकती हैं, दोस्त हो सकती हैं, कोई क्लास में बच्ची हो सकती है, जो अपने दोस्तों का मान लो किसी दिन मूड खराब है तो वो तुरंत से पहचान जाती हैं, या कोई बच्चा अगर वो टीचर हैं तो मोटिवेशन को तुरंत समझ जाती हैं कि बच्चा मोटिवेटेड नहीं है, घर में कोई घटना घट सकती है, क्या स्थिति है पीटीएम में, वो पता कर सकती हैं, है ना, वो आइडिया लगा लेती हैं कि दूसरों की मोटिवेशन, उनका मूड कैसा है, अदर्स की बात हो रही है। तो जब बात अदर्स की होती है तो मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत में गार्डनर के अनुसार ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। इंटर का मतलब ये दो या दो से अधिक, हम कहते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंटर स्टेट बसेस, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच जाने वाली बसेस को हम कह रहे हैं इंटर स्टेट बसेस, है कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाती है बस, है ना, या फिर अगर हम बात करें इंटरनेशनल फ्लाइट्स की तो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, उसी तरह से इंटरपर्सनल का मतलब है कि दो या दो से अधिक लोगों को यानी अदर्स को जान पाना, इंट्रापर्सनल होता है खुद की क्षमताओं को, खुद की मोटिवेशन को जान पाना, तो वो इंट्रापर्सनल हो जाएगा।